हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज रुद्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बूटस्ट्रैप कंटेनर्स के बारे में एंड वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन आवर वेबसाइट आल्सो। सो गाइस, कंटेनर क्या होते हैं? कंटेनर आर बेसिकली जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी वेबसाइट के। बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम लोग कंटेनर बोलते हैं। और कंटेनर्स जो हम लोग बूटस्ट्रैप में यूज़ करते हैं वो बेसिकली रेस्पॉन्सिव एलिमेंट होते हैं। एंड कंटेनर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो एक नॉर्मल कंटेनर होता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंटेनर है, और यहाँ पे कंटेनर स्मॉल है, कंटेनर मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, और एंड में है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड इज़ समथिंग दैट आई एम रियली इंटरेस्टेड। और कंटेनर फ्लूइड बेसिकली क्या करता है, ये पूरा 100% विड्थ लेता है। आप लोग देख सकते हो कि एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, हर जगह पे इसका जो विड्थ रहता है वो हमेशा 100% रहता है। इसका मतलब कि इसके अंदर जितने भी कंटेंट रहेंगे उन सब का विड्थ 100% रहेगा। और कंटेनर्स को आप जनरली हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं आप लोग अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को एक कंटेनर, आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड प्ले पर एक एग्जांपल आप लोगों के लिए क्रिएट कर रखा है। और इसमें जो मैंने सिंपली बॉडी यहाँ पे एक है, और बॉडी के अंदर हमने दो डिवीजन बना रखा है, जिसमें कि एक है सिंपल कंटेनर, जिसमें कि मैंने बैकग्राउंड कलर येलो रखा हुआ है सिंपल। और प्लीज़ लेट मी स्टार्ट इट गाइस। मैं पोमोडोरो ट्रैकर यूज़ करता हूँ अपने आप को। आई थिंक कि मैं ज़्यादा वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ, तो मेक श्योर कि मैं इन बिटवीन ब्रेक लेता रहूँ। सो दिस इज़ माय ब्रेक टाइम, बट स्टिल आई विल मेक द वीडियो। ओके, तो ये था हमारा कंटेनर। तो कंटेनर यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को देख रहा है, यहाँ पे ये सारा पूरा कंटेंट है, और इसके अंदर हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर जो रखा हुआ है वो येलो रखा हुआ है। मतलब ये जो टॉप पार्ट है वो एक नॉर्मल कंटेनर है। उसके बाद जो बॉटम पार्ट है वो भी एक कंटेनर है, आप लोग देख सकते हो। इस कंटेनर में आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड है, और ये कंटेनर फ्लूइड कंटेनर है। आप लोग देख सकते हो ये फ्लूइड कंटेनर है, और इसके अंदर मैंने लोरेम इप्सम कंटेंट डाल रखा है, जो कि सिंपली इस वेबसाइट से आप लोग ले सकते हो, lipsum.com। यहाँ से ये जनरली सिंपल कंटेंट है जो कि आप लोग अपने डेवलपमेंट या फिर किसी भी जगह पे आप लोग यूज़ कर सकते हो। सिंपली यहाँ से आप लोग कॉपी करके इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ओके, सो यही था कि कंटेनर को यूज़ करने का। तो कंटेनर कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी मैं कोड प्ले में अगर आप लोगों को दिखाऊँ, तो इसको मैं अभी आप लोगों को बड़े साइज़ में दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो कंटेनर है ये नॉर्मल कंटेनर है, और नॉर्मल कंटेनर सिर्फ इस टेक्स्ट को कंटेन करता है, और इसके लेफ्ट एंड राइट में यहाँ पे गैप है। ये 100% नहीं है, ये नॉर्मल कंटेनर है। और इन कंटेनर का जो बेसिक, क्योंकि बूटस्ट्रैप में जो कंटेनर है उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है रेस्पॉन्सिव। ये सारे कंटेनर रेस्पॉन्सिव है। आप लोग देख सकते हो कि आप लोग जैसे ही मैं इसका विंडो छोटा और बड़ा कर रहा हूँ, ये कैसे रेस्पॉन्सिव बिहेव कर रहा है। और ये जो है ये फ्लूइड कंटेनर है, वेदर इट इज़ ए मोबाइल फ़ोन, आप लोग लैपटॉप में से एक्सेस करो, या फिर किसी भी जगह पे, ये फ्लूइड कंटेनर है जो कि अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और हमेशा 100% विड्थ में रहता है। ये 100% विड्थ नहीं है, बट ये 100% विड्थ है, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कंटेनर क्रिएट कर रखा है। तो सिंपली कंटेनर क्रिएट करने के लिए आप लोगों को क्लास डिफाइन करना है कंटेनर, एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। ओके, तो अभी हम लोग एक कंटेनर क्रिएट करेंगे अपने वेबसाइट में। अभी हमारा वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि अपना जो टॉप वाला नेविगेशन बार है और ये जो कंटेंट है ये सबको मैं एक कंटेनर में डाल दूँ। तो कंटेनर अभी हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए हम लोग अपने बॉडी में, ये आपका टाइटल वाला पार्ट है, पूरा जो टाइटल वाला पार्ट है, मैं इनको, ये जो सेक्शन है टाइटल वाला, इन सारी चीज़ों को मैं एक कंटेनर में डाल दूंगा। तो कंटेनर कैसे आप लोग क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली आप लोग एक डिवीजन क्रिएट करो, और उसका क्लास जो है इक्वल्स यहाँ पे डिफाइन कर दो, कंटेनर। ओके, बट हमें हमेशा 100% विड्थ चाहिए, क्योंकि वी वांट आवर वेबसाइट टू बी रेस्पॉन्सिव। तो हम लोग इसके कंटेनर को फ्लूइड कर देंगे, FLUID। ओके, तो ये हो गया कंटेनर फ्लूइड। और आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड कलर अभी हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये हो गया हमारा कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर हम अपना पूरा कंटेंट डाल देते हैं। यहाँ पे ये जो सेक्शन है
सेक्शन 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 ये रहा। ओके आई थिंक यहाँ से ये रहा हमारा ये टॉप वाला सेक्शन है। तो ये पूरा जो टाइटल से लेके हमारा यहाँ तक जितना भी सेक्शन है इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके ये रहा हमारा पहला सेक्शन और इसको कॉपी करके मैं सिंपली हमारा जो नया हमने क्रिएट किया हुआ है कंटेनर इसके अंदर डाल देता हूँ। ओके तो नाउ हमारे पास ये कंटेनर क्रिएट हो गया, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब। ओके गाइस सो ये हमने अभी फ्लूइड कंटेनर ऐड कर दिया बट यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में हमारे पास थोड़ा सा गैप रह रहा है तो इसके लिए हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट को यूज़ करते हैं एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम लोग देख लेते हैं कि गैप क्यों आ रहा है। तो हम लोग जैसे फ्लूइड में आते हैं यहाँ पे अगर नीचे आप लोग जाते हो तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पैडिंग में 12 पिक्सल का पैडिंग है तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं बाय क्लिकिंग हियर। तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, 0 पिक्सल कर दिया, अब ये फुल स्क्रीन हो गया है। ओके तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, हमें अपने जो कंटेनर में एक स्टाइल एलिमेंट ऐड करना पड़ा जो कि था पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट जो कि हमने 0 पिक्सल कर दिया। ओके तो अभी हम लोग इसी सेम चीज़ को अपने वेबसाइट पे करेंगे। अभी कंट्रोल आर जैसे ही आप लगा देते हो तो ये ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कंटेनर फ्लूइड कर लिया है एंड अभी हम लोग इसके अंदर स्टाइल ऐड करेंगे, स्टाइल। ओके तो स्टाइल में हम लोग चाहते हैं पैडिंग लेफ्ट। ओके पैडिंग लेफ्ट हम कितना रखना चाहते हैं, 0 हम लोग रखेंगे इसको, नो नीड टू डिफाइन एनी यूनिट। ओके तो पैडिंग राइट हम लोग लिखेंगे और पैडिंग राइट में क्या रखेंगे हम लोग, 0। ओके कंट्रोल एस, अभी हम लोग अपने वेबसाइट में जाते हैं, कंट्रोल आर, अभी आप लोग देख सकते हो कि ये फुल स्क्रीन है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। बट मैं चाहता हूँ कि अपना जो मेनू है और ये जो जू सी आर एम है ये सारा कंटेंट जो है वो कुछ अराउंड इन बिटवीन आ जाए। ओके तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेफ्ट एंड राइट मैं चाहता हूँ कि कुछ हमें कंटेंट में कुछ गैप मिले एंड टॉप में भी थोड़ा गैप, इन बिटवीन कंटेंट थोड़ा गैप मिले एंड वी वॉन्ट आवर कंटेंट टू बी लाइक फ्रॉम दिस। ओके सो लेट्स डू इट। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसका जो सेक्शन है इस सेक्शन को टारगेट करना पड़ेगा, मतलब ये जो टाइटल सेक्शन है। तो सिंपली टाइटल सेक्शन में हम लोग जैसे ही जाते हैं तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या, पहले तो हम लोग इसमें पैडिंग ऐड करेंगे, पैडिंग कंट्रोल एस कंट्रोल आर। ओके आई थिंक 5% इज़ टू मच तो 5% को हम लोग कर देते हैं अराउंड 2, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। ओके सॉरी गाइस मैंने यहाँ पे कॉमा डाल दिया था, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम कोडिंग आई फॉरगेट थिंग्स। ओके नो इश्यूज, सो इट दिस इज 2%, आई थिंक इट लुक्स गुड। ओके सो दिस इज 2% गैप फ्रॉम टॉप एंड इट लुक्स रियली ऑसम। अगर हम लोग इस वेबसाइट को थोड़ा सा छोटा कर दे, आप लोग देख सकते हो कि दिस वेबसाइट रियली लुक्स कूल। ओके सो आई वॉन्ट इट टू बी नॉट लाइक 15% इज़ टू मच, लेट्स मेक इट 10%, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। ओके नाउ दिस लुक्स गुड। ओके सो दिस इज व्हाट वी हैव डन यूजिंग द टाइटल सेक्शन। तो इस सेक्शन को यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया, इसमें थोड़ा सा पैडिंग हमने यूज़ कर दिया जिससे कि हमारा जो कंटेंट है लेफ्ट एंड राइट से थोड़ा सेंटर अलाइंड हो जाए। ओके तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अभी हम लोग अगले वीडियो में इस बटन को और इस टेक्स्ट को रिसाइज करेंगे एंड इट विल बी रियली रियली अमेजिंग। ओके सो दैट्स इट गाइस, दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो एंड बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।